इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लड़की की काबिले एतराज तस्वीर शेयर करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुलजिम की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। लड़की के काबिले एतराज तस्वीर शेयर करने वाले मुलजिम की जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। आसिफ नवीद इस खबर की तफसील हमारे साथ शेयर करेंगे। केस की क्या अपडेट्स अब तक आई है आसिफ? देखिए, लड़की की जो काबिल एतराज तस्वीर फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर करने वाले मुलजिम ने दरख्वास्त जमानत दायर की थी, बाज़ार गिरफ्तारी से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद असीफ के ऊपर इल्जाम था कि उसने खातून लड़की की जो है नाकाबिल एतराज तस्वीर बनाकर उसके भाइयों और वालिद को के साथ शेयर की थी, जिस पर अदालत का ये कहना था कि अपने फैसले में माशरे में ये जुर्म बहुत आम हो गया है और लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ ताल्लुक में होते हैं तो लड़कियां अपनी काबिल एतराज तस्वीर लड़कों को भेज देती हैं। ये ताल्लुक टूटने पर लड़के काबिल एतराज तस्वीर फेसबुक पर अपलोड या लड़की के दोस्तों या फैमिली मेंबर से शेयर कर देते हैं। ये तस्वीर लड़कियों के लिए जिंदगी भर का चकमा बन जाती है और इनकी फैमिली लाइफ तबाह हो जाती है। अक्सर केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। ऐसे जुर्म में मुलव्वस मुलजमान किसी राय के मुस्तहिक नहीं, तो लिहाजा इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाती है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आसिफ नवीद।